सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस, और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की शानदार क्लास के अंदर। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, पॉवर्टी, जिसको बोलते हैं गरीबी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। तो आज इस टॉपिक पे बात करने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉवर्टी का क्वेश्चन भी जरूर आता है कई बार, है ना। तो आइएगा पढ़ते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। पुअर्टी इज ए सोशल फिनोमिनन एंड कैन बी डिफाइंड एट ए सिचुएशन इन विच ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। जो लोग अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं ज़िंदगी की, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं और वो लोग उनको पूरा नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं गरीब। वही लोग गरीबी रेखा से बाहर आते हैं, जो लोग अपनी जो मेन ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि एक इंसान को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, अगर उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए, दो रोटी चाहिए, अगर वो दो रोटी नहीं कमा पा रहा ठीक तरीके से, उसको दो रोटी नहीं मिल पा रही सही तरीके से, तो उस सोसाइटी के अंदर वो किसके आता है? गरीबी रेखा में आता है। तो वही गरीबी होते हैं। पॉवर्टी इज मे बी नॉन एज ए स्टेट सिंबल इज लेस डेवलप्ड कंट्री। लेस्टर आर ब्राउन इन हिज बुक्स वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स एक्सप्लेन पॉवर्टी दस, अनफॉर्चुनेटली इट इज Not an economic observation, it is a human condition, ठीक है ना। It is a despair, grief and pain. It is the despair of a father with a family of seven children in a poor country when he joined the swelling rank of unemployed with no prospects of unemployment composition. यानी कि एक इंसान जिसके पास जो कमाने वाला एक है और खाने उसके बच्चे और बीवी को जोड़ करके खाने वाले कितने हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? गरीबी रेखा के अंदर आएगा। पॉवर्टी इज द लॉन्गिंग ऑफ द यंग बॉय प्लेइंग आउटसाइड ए विलेज स्कूल बट अनेबल टू एंटर बिकॉज हिज पेरेंट्स लैक ए फ्यू रुपी नीडेड टू बाय टेक्स्ट बुक। जो गरीब की रेखा के अंदर आते हैं लोग, कई बार उनके साथ ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं कि उनको अगर पढ़ने के लिए एक बुक चाहिए तो उसको बुक को खरीदने के लिए पैसे नहीं हुए। पॉवर्टी इज द ग्रीफ ऑफ पेरेंट्स वॉचिंग ए 3 years ओल्ड चाइल्ड डाई ऑफ ए रूटीन चाइल्डहुड, दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड एनी मेडिकल केयर। दिस इज द ग्रिम स्पेक्टर ऑफ पॉवर्टी। बाई पॉवर्टी वी जनरली मेन ए सिचुएशन इन विच पर्सन फेस टैन अर्न इनकम सफिशेंट टू परचेज हिज बेयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। ए पुअर मैन इज वन हु डज नॉट हैव कमांडेड ओवर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइक एनफ फूड, क्लॉथिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर ऑफ द मेटेरियल लेवल। जो चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में बताई है वो चीज़ इसमें डिफाइन करके दी। एक वो ऐसा इंसान सोसाइटी के अंदर जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और पीने के लिए पानी नहीं, तो ये उसकी इंसान की बेसिक ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी की। अगर उसको ये भी ठीक से नहीं प्राप्त हो पा रहा तो वो गरीबी रेखा के अंदर आता है। आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग। काउजेज ऑफ पॉवर्टी, काउजेज क्या क्या हैं? सबसे पहला काउजेज क्या आता है? Rapidly rising production, लगातार जनसंख्या का बढ़ना। जब जनसंख्या का बढ़ना, कमाने वाला एक, खाने वाले दस, तो सीधी सी बात है गरीबी तो आनी है। The population during the last 45 year has increased at the rate of 2.2% per annum. On average 17 million people are added every year of its population. 17 million लोग हर साल ऐड हो जाते हैं जनसंख्या में। तो भाई ये रेशो जो दिया वो 2011 से पहले पहले का है,
अब तो 2022 चल रहा है, तो अब तो काफ़ी रेश है। इसके बाद सेकंड काउजेज आता है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में कम उत्पादन होना भी एक गरीबी का कारण है। द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज लो ड्यू टू सब डिवाइडेड एंड फिजमेंट होल्डिंग लैक ऑफ कैपिटल यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लिटरेसी, है ना, ये सब काउजेज हैं किसके, गरीबी के। तीसरा आता है अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आता है फोर्थ लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बाद आता है प्राइस राइज, इसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, है ना। आप सारे मत लिखिएगा, आप नौ याद कर लीजिएगा, तो आप अगर आपने छः भी लिख दिए वहाँ पे तो बहुत हैं, बस अच्छे से बना करके। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये हैं आपके नौ काउजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी के कारण। अब मैं अगर बात करूँ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो ख़त्म करने का क्या कारण है, द गवर्नमेंट हैज इंडाइटेड वायरस स्टेप्स अंडर इट्स प्लान स्कीम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंक्रीज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम एंड रिड्यूस द पॉवर्टी, यानी कि अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया जा सके, पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज किया जा सके, तो शायद गरीबी खत्म हो सकती है यहाँ से। पहला, द गवर्नमेंट बिलीव दैट एफर्ट्स टूवर्ड द डेवलपिंग द हैवी इंडस्ट्री एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज का विकास करना चाहिए जहाँ लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले और उनको इनकम मिल सके, है ना। वुड लीड द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आज हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो इस पे लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे। सर्वाइवल लैंड रिफॉर्म मेजर्स सच ए एप्लीकेशन ऑफ जमींदार सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ टेंट फार्मर्स अगेंस्ट इवेक्शन फैक्सिंग ऑफ रेंट्स, लैंड होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स वर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद ये पढ़ सकते हैं आप कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर देश के अंदर ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां लोगों को रोजगार मिल सके, तो ऑटोमेटिकली ही इसको रिमूव हो जाएगा, पॉवर्टी जो है वो हमारे देश से रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके ये हाउ टू एग्रीगेट प्रॉवर्टी इन इंडिया है, पढ़ सकते हैं इसको आप, कोई वही है जो मैंने आपको बताया, और बाकी कुछ मेन नहीं है इसके अंदर, वही मेन है जो मैंने आपको बताया रिमूव करने का और इसके काउसेज। बाकी जो बात होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, ये प्रॉवर्टी का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ आई होगी और अच्छी तरीके से मीनिंग आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। कुछ बात करनी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।